अस्सलाम वालेकुम फ़िश फार्मर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और फ़िश फार्मिंग में अच्छा कर रहे होंगे, अपनी नए फार्मिंग की तरफ जा रहे होंगे, सीड ट्रांसफ़र कर रहे होंगे, बेस बना रहे होंगे, तालाबों की रिपेयरिंग कर रहे होंगे या इवन कुछ फार्मर्स अभी सेल भी कर रहे हैं। आपको उसमें से प्रॉफिट भी हुआ होगा या आप आगे प्लानिंग कर रहे होंगे एक्सपेंशन करने की, और हमारी वीडियो से आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर हो रहा होगा। आज की वीडियो जो है बेसिकली उसका मकसद ये है कि मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ कि फार्मिंग कितनी किस्म की है, ठीक है, पाकिस्तान में या इंटरनेशनली फार्मिंग कितनी किस्म की है। बहुत सारे भाइयों ने मुझे कहा था कि सर आप एडवांस फिश फार्मिंग की तरफ भी जाएं, उसके ऊपर भी वीडियोस बनाएंगे। इंशाल्लाह मैं वो ज़रूर वक्त के साथ साथ चलता चला जाऊंगा। हमारे यहाँ पाकिस्तान में आजकल या जो अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो मोस्टली कन्वेंशनल फार्मिंग का है। कन्वेंशनल फार्मिंग क्या है, जैसे हम रवायती तरीका इस्तेमाल करते हैं कि अब बड़े तालाब बनाते हैं, उसमें मछली ट्रांसफ़र करते हैं, फिर उसको हार्वेस्ट करते हैं और रिजल्ट लेते हैं। अब हम आते हैं वापस फ़िश फार्मिंग कितने किस्म की। फ़िश फार्मिंग बेसिकली हम उसको चार तरीकों में या चार टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं। नंबर वन है एक्सटेंसिव, फिर है सेमी इंटेंसिव, फिर इंटेंसिव और फिर सुपर इंटेंसिव। अब इनमें फ़र्क क्या है, ये बेसिकली वीडियोज़ मुझे शायद पहले बनानी चाहिए थी लेकिन मैंने इस रिलेटेड पहले जिक्र किया था। एक्सटेंसिव फ़िश फार्मिंग क्या है, एक्सटेंसिव फ़िश फार्मिंग ऐसी है जिसमें आप तालाब का जो साइज़ है उसको देखते हुए उसमें 2 से 3 फीट तक पानी रख, तालाब का साइज 2 एकड़ है, 1.5 एकड़ है, 1 एकड़ है, 3 एकड़ है, और आप उसमें पानी कितना रखते हैं 3 फीट तक या मैक्सिमम 4 फीट तक रखते हैं। फ्रेश वाटर है या नहरी पानी है आप उसको यूज़ करते हैं। उसमें सीड कितना ट्रांसफ़र करते हैं कलेक्टिवली 800 साढ़े 800 की, आप उसमें 750 की, तो 2-3 एकड़ का तालाब हो गया, उसमें तकरीबन 4 फीट तक पानी भर लेते हैं और उसमें शिफ्टिंग कितनी करते हैं मैक्सिमम 800 की आप शिफ्टिंग कर लेते हैं। पानी उसमें आप चाहे नहरी यूज़ कर रहे हैं या फ्रेश वाटर यूज़ कर रहे हैं, पानी की क्वालिटी को आप मैक्सिमम इंक्रीज़ करते हैं और उसमें से रिजल्ट ले लेते हैं। ये है एक्सटेंसिव, और ये हमारे यहाँ जो पाकिस्तान में शुरू में था ट्रेंड, ये सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिव ये होता था। लोग अपने घरों के पास 2 एकड़ का 4 एकड़ का फार्म बना लेते थे, उसको फिर वो 4 फीट तक, 4.5 साढ़े 4 फीट तक, 3 फीट तक पानी भरते थे और फिर उसमें सीड ट्रांसफ़र करके जो मछली का वज़न नॉर्मली निकलता था उसको बेच देते थे, ठीक है, और उसमें ऐसे ऊपर से ज़्यादा फीड नहीं डालते थे। जो पानी अंदर से, पानी की क्वालिटी से या जो मछली उसमें रह रही होती थी वो वहीं से खुराक खा लेती थी, और उस मछली के जो हार्वेस्टिंग का ड्यूरेशन था वो तकरीबन 2 साल होता था। यानी अगर आपने जनवरी 2020 में उसमें शिफ्टिंग की है तो आप उसको 2021 के अक्टूबर नवंबर में उसको निकालेंगे, यानी 18 महीनों के बाद आप उसको हार्वेस्ट करेंगे, आप उसको बेस कमा लेते हैं, उसमें से जो प्रॉफिट आपको आता है। ये उन लोगों के लिए कारहमत था जो लोग अपनी ज़मीन में फार्मिंग करते थे और उनको उसके ऊपर लीज़ नहीं देनी पड़ती थी या रेंट वगैरह उसमें आपको नहीं देना पड़ता था। तो ये उस लिहाज से बिल्कुल ठीक फार्मूला है कि आपकी अपनी ज़मीन है, आपने उसमें पानी वगैरह डाला हुआ है, करते रहते हैं महीने बाद, 15 दिन बाद या 20 दिन बाद हार्वेस्ट, उसको फर्टिलाइज कर देते हैं पानी को, और उसके बाद उसमें जो है ना मछली का जो सीड होता है वो ग्रो कर जाता है, आप उसको बेच लेते हैं। ये था एक्सटेंसिव फार्मूला। हम उस सिस्टम से निकल के सेमी इंटेंसिव पर आ गए। सेमी इंटेंसिव पर क्या होने लगा, सेमी इंटेंसिव में ये होने लगा कि फार्मर ने कहा कि ये जो ड्यूरेशन है ये काफ़ी लंबा है, हमें इस ड्यूरेशन से निकलना है, हमें हर साल करना है। तो उसमें क्या हुआ, या फार्मर ने लीज़ पर लैंड लेना शुरू कर दी, ठेका तो हर साल देना है, अब उसने उसमें से खर्चे भी निकालने, तो वो क्या करता था, वो अपने कम वसाइल में, ठीक है, अपने कम वसाइल में 2 एकड़ 4 एकड़ जितनी ज़मीन ली है 3-4 फीट 5 फीट तक या 4 फीट तक 4.5 फीट तक पानी फिल किया, उसमें उसको फर्टिलाइज़ किया प्रॉपर तरीके से और ऊपर से फीड डालना शुरू कर दी, बनी बनाई या बनाना शुरू कर दी। पाकिस्तान में मोस्टली आजकल यही हो रहा है कि 4-4.5 फीट तक पानी रखा जाता है, उसको पौंड को रेगुलरली फर्टिलाइज़ किया जाता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड की जाती है, ऊपर से फीड डाली जाती है और मछली का एक वजन लेता है। अब इसमें कितना सीड ट्रांसफ़र किया जा सकता है, इसमें मैक्सिमम 1000 तक सीड ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अब उसमें पूरे कंट्रोल करके 1000 या 1200 इवन जो कुछ लोग कहते हैं मैक्सिमम, लेकिन हाँ अगर रोहू के अलावा सीड है, कोई और सीड है जैसे तलापिया वगैरह, तो आप उसमें शिफ्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम उसमें, लेकिन रोहू की इतनी क्वान्टिटी को वेट लेना मुश्किल है, ठीक है, रोहू इतनी जल्दी वेट नहीं देता। तो ये था सेमी इंटेंसिव जिसको मैंने आपको बता दिया, जो मोस्टली हमारे यहाँ हो रहा है, जैसे कि सिंध के इलाके में इसी चीज़ पर काम हो रहा है। नहरी पानी होता है,
उसको 4 फीट तक भरा जाता है, उसको खूब फर्टिलाइज किया जाता है, उसका कलर अच्छे से मेंटेन किया जाता है, सीड को उसमें ट्रांसफर किया जाता है और साल के एंड में जो है उसमें से एक अच्छा वजन जो है आप ले लेते हैं और वो आपके लिए मुनाफा बख्श होता है। वहाँ तो चलो लैंड कुछ जो फार्मर है उनकी अपनी है, कुछ ने लीज पर ली हुई है तो ये चल जाता है। हमारे जैसे जो फार्मर है वो है इंटेंसिव फार्मूला यूज कर रहे हैं, इंटेंसिव फार्मिंग कर रहे हैं। इंटेंसिव फार्मिंग क्या है, सबसे पहले तो लीज पर जमीन ली हुई है जो पहली बात को कंफर्म कर दिया कि आपने साल बाद मछली निकालनी है। सेकंड ये है कि वो फीड का खर्चा भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं कि हम इसके ऊपर फीड की इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। तीसरी बात ये है कि हमारे पास ज़मीन बड़ी है, 8 एकड़ हैं, 9 एकड़ हैं, तो हम वो भी कर सकते हैं। चौथी चीज़ क्या है, हम पानी को 5 से 6 फीट तक भर कर रख सकते हैं। ये है फार्मूला, ये इंटेंसिव में आ जाता है। ठीक है, अब इसमें हार्वेस्टिंग कैसे करनी है, इसमें सीड कितना ट्रांसफ़र किया जाता है, इसके बारे में जिक्र कर लेते हैं। ऐसी सिचुएशन में 8-6 एकड़ का तालाब है और उसमें आप पानी 5 फीट तक रख सकते हैं सारा साल। जी रख सकते हैं, फ्रेश वाटर रख सकते हैं, चाहे नहरी पानी रख सकते हैं, दो चीज़ें क्लियर होगी। क्या आप उसको अच्छे से फर्टिलाइज कर सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं साल भर इसमें खाद वगैरह डालकर और बहुत सारी चीज़ें जैसे नेचुरल जो है कुदरती गोबर वगैरह या केज पोल्ट्री वगैरह डालकर हम इसको फर्टिलाइज करके मछली के खाने पीने का इंतज़ाम अच्छा कर सकते हैं। ये अच्छा कर सकते हैं, तो पानी भी भर दिया, लैंड ज़्यादा है, पानी भर दिया, कलर मेंटेन कर दिया और ऊपर से इसको फीड भी डाल दी। ये 4 चीज़ें हम कर लेते हैं। अब इस फार्मर्स में इसमें जो एवरेज सीड ट्रांसफ़र जो मैक्सिमम किया जा सकता है वो भी 1400-1500 होता है, लेकिन इसको 2400 तक भी कुछ फार्मर्स कहते हैं कि लेके जाया जा सकता है। बिल्कुल लेके जाया जा सकता है, लेकिन उसमें रोहू नहीं रख सकते आप। रोहू की क्वांटिटी उस एरिया, रोहू एरिया के हिसाब से ग्रो करती है ना, जितना बड़ा एरिया होगा रोहू की ग्रोथ अच्छी होगी उस हिसाब से। इसमें फिर फार्मर करता क्या है, इसमें फार्मर ये करता है कि जहां उसने कॉमन कार्ब का सीड रखना है वहां वो रखेगा उसके साथ तलापिया। फर्ज करें ये तो वाला तालाब है, इसमें हमने सोचा है कि हम इसमें इंटेंसिव फार्मिंग करना चाहते हैं, तो तालाब की हाइट 6-6.5-7 फीट है, ओके हो गया। तालाब में पानी 5 फीट तक रखा सकते हैं, बिल्कुल रखा जा सकता है। फ्रेश पानी ऐड है, फ्रेश पानी ऐड है, ठीक है। फर्टिलाइज कर सकते हैं, प्रॉपर से मैनेज हो जाएगा? जी बिल्कुल प्रॉपरली फुली मैनेज हो सकता है। अब इसमें सीड कितना डाल सकते हैं, सीड हम इसमें 2400 तक लेके जा सकते हैं। वो कैसे लेके जा सकते हैं, उसमें ऐसा होगा हम 850-900 तक जो है हम इसमें क्या ट्रांसफर करेंगे, रोहू, बाकी हम इसमें ग्रास भी, थैला और मुराखी वगैरह ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल ऐड कर सकते हैं, वो हो गया। वो कुल मिलाकर अप्रोक्सीमेटली 1200 की शिफ्टिंग हो गई, ठीक हो गया। ये था बॉटम जो उसकी सेंटर की तय को मुकम्मल कर। अब हम इसके ऊपर 1200 का जो सीड डालेंगे वो रखेंगे तलापिया का, या हम इसके साथ पंगासिस रख सकते हैं। 1200 की वो फीड को हम मैनेज कर रहे हैं, कलर मेंटेन किया हुआ है। आप फी एकड़ 2400 को सीड को बड़े ज़बरदस्त तरीके से मैनेज कर सकते हैं। एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे लेकिन एक्सपेंसेस के साथ साथ आपको मुनाफा भी बहुत अच्छा मिल जाएगा। अगेन बात आके रुकती है मैनेजमेंट पर। शुरू शुरू में लोग मुझसे पूछते थे कि ये मैनेजमेंट क्या होती है, तो मैंने कहा था कि आप वक्त के साथ साथ देखेंगे जब मैं एविडेंस दिखाऊंगा कि मैनेज करना क्या होता है। फिर बहुत सारे ग्रुप्स में बातें होने लगी कि असल जो फार्मिंग से मुनाफा निकाला जाता है वो मैनेजमेंट से निकाला जाता है। तो आपको बखूबी अंदाज़ा हो गया होगा कि कलर जो फार्मिंग जिन्होंने पहले साल की है कि पानी के कलर को मेंटेन करना एक टास्क है, आपको फुली तवज्जो देनी पड़ती है। फिश फार्मिंग पार्ट टाइम जॉब नहीं है कि आपने साथ 8 एकड़ का तालाब बनाया हुआ है, काम आप कुछ और कर रहे हैं, मछली पल जाएगी, जी 2 किलो की हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, ऐसा वैसा नहीं होता यार, रियलिटी से बहुत दूर बात है। फिश फार्मिंग आपका फुल टाइम जॉब है और आप 24 घंटे हाजिर हैं इसके ऊपर, ठीक है, हो गया। तो ये है 2400 सीड ट्रांसफर करने का जो तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया। इस तरह आप 2400 की शिफ्टिंग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। साथ में अपने बॉटम में कीड़ा मछली को देखते हुए जो रंग मल्ली या सिंगारा वगैरह भी ऐड किया हुआ, तो 2400 की शिफ्टिंग पूरी होगी जी, होगी जी, मैनेज हो रहा है, मैनेज हो रहा है। साल के एंड में वो तालाब एक आपको अच्छा मुनाफा दे देगा। हाँ, इसमें इशू क्या आ रहा है, इशू ये आ रहा है 2400 सीड की खुराक पूरी करनी है। खुराक कितनी पूरी करनी है, बड़े फार्मर्स ने पूछा है खुराक का चार्ट दे दे, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट यही कर रहा था कि भाई मैंने चार्ट शेयर कर दिया है, आप पिछली वीडियोस देखें, उसमें मैंने मछली के 0 ग्राम से 5 ग्राम का सीड हो तो उसका भी फीड चार्ट अपलोड कर दिए, तो आप वो फीड चार्ट देखकर आप उससे अंदाज़ा लगा लें आपकी मछली को पूरा साल फीड कितनी होगी। अच्छा, आप बहुत सारे फार्मर्स मुझसे पूछ रहे थे कि इसका कैसे आइडिया लगाएं, तो आप एज के हिसाब से लगाएंगे, वो मैं इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में इसमें कवर करूँगा, ठीक हो गया। अब लास्ट जो तरीका है वो है सुपर इंटेंसिव।
सुपर इंटेंसिव क्या फार्मूला है? सुपर इंटेंसिव ये फार्मूला है कि इसमें आपकी जो सीड की क्वांटिटी है वो कहाँ तक पहुँचेगी? वो पहुँचेगी 4800 तक, यानी कि 3 गुना नॉर्मल कन्वेंशनल से ज़्यादा। अब आपको ये आइडिया भी सुनते सार ही होगा कि यार अगर सुपर इंटेंसिव हो सकता है तो फिर तो तालाब में तो आम चीज़ नहीं डाली जाएगी, तालाब में तो बहुत सारी चीज़ें डाली जाएंगी। एग्जैक्टली ऐसा ही होगा। आप जहां 1200-1500 की कॉमन कार्ब की शिफ्टिंग करेंगे और 2000-2500 तक तलापिया की या दूसरे की शिफ्टिंग करेंगे, पानी कहाँ जाएगा? जगह भी वही है। तालाब की लेवल बढ़ाएंगे, सबसे पहले तालाब का लेवल बढ़ेगा। तालाब का लेवल कहाँ जाएगा? तालाब का लेवल जाएगा 8 फीट तक। पानी उसमें 6 फीट 6.5 फीट 60 फीट तक पानी रखा जाएगा। अब उस पानी को फर्टिलाइज़ करना है, उसके लिए रिसोर्सेज बढ़ेंगे, खाद की क्वांटिटी भी बढ़ेगी, एक्सपेंडिचर भी बढ़ेंगे। एक तरफ आप अपने रिजल्ट्स को जेन में बना लें अभी, फिर कंपैरिजन आप साथ साथ करेंगे, अच्छा आइडिया हो जाएगा। आप देख लें, आपने 4800 फीस डालनी है, तालाब की हाइट बढ़ जाएगी, एक्सपेंस बढ़ जाएंगे, पानी 6.5 फीट तक आ गया, स्पेस बढ़ गई है, बढ़ गई है। अब अगर हम इसमें सारा सीड ट्रांसफ़र कर दें तो ऑक्सीजन लेवल का इशू आएगा। गोया के जो इंटेंसिव है उसमें भी ऑक्सीजन का इशू आ सकता है, लेकिन उसमें क्योंकि फ्रेश वाटर ऐड होता रहता है तो चलता रहता है। लेकिन अगर उसमें आपके पास फ्रेश वाटर का ऑप्शन नहीं है, नरी पानी है, तो आप उसमें एरेटर वगैरह जो उसमें ऑक्सीजन ऐड करते हैं, डिफरेंट प्रोसेस आप सबको पता है, वो यूज़ कर सकते हैं। अब सुपर इंटेंसिव में क्या हुआ? सबसे पहले तालाब बढ़ा, तालाब के साथ पानी की क्वांटिटी बढ़ी। अब उसको पानी को सर्कुलेट करना ज़रूरी है। इस सर्कुलेशन में हमने उसमें ऑक्सीजन ऐड करनी है, क्योंकि 4800 सीड आपका है 1 एकड़ में, तो 8 एकड़ 10 एकड़ में कितना हो गया? 48,000। अब 48,000 मछली अगर एक तालाब में रह रही है, उसको ऑक्सीजन भी चाहिए, उसके ऑक्सीजन का फिर आपको आर्टिफिशियल तरीके से उसको करना पड़ेगा। उसके लिए बहुत सारे प्रोसेस है। कुछ लोग उसमें बोट लगाकर वो एरिएटर वगैरह चला देते हैं जो पानी को सर्कुलेट करते रहते हैं। आप उसमें मेजरमेंट के लिए, आप उसमें पीएच चेक करने के लिए, या और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं पानी की क्वालिटी को चेक करने के लिए, आप उसके लिए जो इक्विपमेंट है वो यूज़ करते हैं। तालाब बढ़ गया, पानी ज़्यादा आ गया, एरिएटर वगैरह लगा के ऑक्सीजन आ गई, अब इसके कलर मेंटेन करना है। अब ये नॉर्मल फर्टिलाइजिंग करने से नहीं कलर मेंटेन होगा या रिजल्ट निकलेगा। अब इसके लिए हमें एडवांस मेडिसिन यूज़ करनी पड़ेगी, एडवांस ऐसी चीज़ें, ऐसे फार्मूलाज यूज़ करने पड़ेंगे जो उसमें उसकी नेचुरल फीड के बनाने के प्रोसेस को और तेज़ कर देंगी। जहां 3 गुना ज़्यादा सीड डालना है, वहां 3 गुना ज़्यादा प्रोसेस भी करना पड़ेगा। एक प्रोफेसर साहब से मेरी बात चल रही है, माशाल्लाह बहुत नामी ग्रामी हैं और उनकी मेडिसिन वगैरह यूज़ हो रही हैं, तो मैं इंशाल्लाह उनको प्रैक्टिकली करूँगा, उसमें से रिज़ल्ट आपके साथ शेयर करूँगा। और ये उसी लिंक का एक हिस्सा है जिसमें आप जब सुपर इंटेंसिव की तरफ जाते हैं तो रिजल्ट फिर इस तरह निकलते हैं। ऑक्सीजन पूरी कर देंगे उसकी नेचुरल, फिर उसको ऊपर से जो फीड डालेंगे वो भी जो है ना, आप एक कैलकुलेटेड वे में और हाई क्वालिटी फीड डालेंगे ताकि मैक्सिमम वो उसको यूज़ करे और खा सके। अच्छा, इसमें देखें क्या, इसमें सबसे बड़ा इशू आएगा कि फीड फिर हमें प्रॉपर तरीके के सारों को मिल जाएगी? नहीं, इसमें इशू आएंगे। फिर उसके लिए क्या बनाना है? उसके लिए हमें स्पॉट्स चेंज करने पड़ेंगे, मल्टीपल स्पॉट्स बनाने पड़ेंगे, फीड की कंजप्शन को, रेशो को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, ताकि मछली ज़्यादा खुराक खाए और एक अच्छा वेट गेन कर ले। एक्सपेंस कहाँ जाएंगे? एक्सपेंस मैक्सिमम होंगे, उसकी बरक्स आप 4800 की कल्टीवेशन भी ले रहे हैं। तो ये है कन्वेंशनल तरीके के साथ आप पॉन्ड्स की तादाद को बढ़ाकर, सीड बढ़ाकर, उसके में पानी के लेवल को चेंज करके आप कर सकते हैं। तो ये एक जनरल नॉलेज है। अब हम आते हैं बायोफ्लॉक की तरफ या दूसरी चीज़ों की तरफ। वो एक इंतहाई एडवांस सिस्टम है। जैसे मैंने कहा, क्या पाकिस्तान में पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। दुनिया में कौन सी चीज़ है जो पाकिस्तान में पॉसिबल नहीं हो सकती? अनटिल अनलेस आप उसमें जुगाड़ सिस्टम नहीं करते। इस टॉपिक को मैं यहीं छोड़ता हूँ, वीडियो लंबी हो रही है। बायोफ्लॉक के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, आपके साथ शेयर करूँगा। जो भी शेयर करूँगा उसके ऊपर कायम रहूँगा और आपको सारी चीज़ें सबूत के साथ पेश करूँगा इंशाल्लाह। तो उम्मीद है आपको ये कल्चर समझ आ जाएगा। इसी कल्चर को मद्देनज़र रखते हुए आप अपनी फार्मिंग की तरफ जाएं, आपने कौन सा कल्चर डेवलप करना है, कितना पानी रखना है और उसमें कितना सीड डालना है और कितनी मैनेजमेंट दे सकते हैं, आप कितने लोग हैं जो उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी। कोई चीज़ रह गई हो या इसमें कोई अमेंडमेंट हो या कुछ सजेशंस करना चाहते हैं, फेसबुक पे भी टैग कर सकते हैं मुझे, यूट्यूब पर भी कमेंट्स करें, व्हाट्सएप पे भी कमेंट्स करें, मैं आपको
बेहतर से बेहतर इन्फॉर्मेशन दूंगा। हाँ, अगर आपके पास स्किल्स ज़्यादा है, नॉलेज ज़्यादा है, तो मैं आपसे वो नॉलेज लेने के लिए भी तैयार हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को या हम अपने आप को ये नहीं समझते कि हम सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट है, ऐसा कभी भी नहीं होता। नॉलेज इंसान के पास अवेलेबल है, हमसे बहुत आगे एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करने वाले भी फार्मर हैं, और हमसे ऐसे फार्मर्स भी आगे, बहुत ज़्यादा ऐसे फार्मर्स भी होंगे जो मिनिमम रिसोर्सेज को यूज़ करके मैक्सिमम रिजल्ट ले रहे हैं। हम भी इसमें लर्निंग प्रोसेस में हैं। जितना मर्जी हर साल आपका गुजर जाए, लेकिन हर आने वाला साल आपके लिए एक सीखने का साल होता है। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। मेरी वीडियोस को देखते रहें, शेयर करते रहें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि जब भी मैं वीडियो कोई अपलोड करूंगा तो आपके पास डायरेक्ट नोटिफिकेशन के जरिए वीडियो आ जाएगी। लेटेस्ट वीडियो से आपको जो इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर करने की कोशिश की होगी वो आप तक पहुँच जाएगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त है। वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।